नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जुनोगा 2022 में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे ब्रेन के सेंटर्स, जिसके ज़रिए हम टास्क टास्क तो कल बताया था कि जुनोगा में मेन टास्क क्या है, कल बताया था मैंने, शुरू किया था। बट उस टास्क को करने से भी पहले जो भी काम था, हम स्पिरिचुअलिटी में जो भी काम करना होता है, इनफैक्ट किसी भी चीज़ में कोई भी काम करना होता है, पहले आपको उसके टूल्स समझ में आने चाहिए। तो हमारे ब्रेन में कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके साथ हमको कुछ काम करना है, वो पढ़ेंगे आज हम लोग। तो शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा बताइए, CCS क्या होता है, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्या होता है? जी दादा, आपने बताया था क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को जो एनलाइटेंड होती है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसी को ही CCS कहते हैं। तो फिर मैं किसको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्यों कह रहा हूँ, मैं सीधे एनलाइटमेंट बोल दूँ? इतने तीन अलग अलग वर्ड्स, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, एक वर्ड एनलाइटमेंट क्यों कहते हैं? गौरी बताएगी। चार सेक्शन पढ़े थे हमने माइंड के, ब्रेन के नहीं, माइंड के चार सेक्शन पढ़े थे। सेक्शन वन क्या था, एक बार फिर से रिवाइज करवा दीजिए। मतलब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा बड़ा सा आंसर लिख दो, उसमें कहीं ना कहीं तो आपका आंसर होगा ही। नहीं, सुनिए, देखिए, ये जो कौन सा सेक्शन, सब सेक्शन टू था, जिसमें जैसे हम लोग कंसंट्रेट, मेडिटेट और इंट्यूशन वगैरह रिसीव करते हैं, यहाँ तक पहुँचने से पहले एक बहुत बड़ा सा गैप होता है। वेरी गुड। तो ये जो गैप होता है यहाँ से, इसको बोलते हैं नो मैन्स लैंड बोलते हैं। यहाँ से वहाँ तक जब हम पहुँच जाते हैं तो उस जगह पे, जिस जगह पे हम पहुँचते हैं या फिर जो वो प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। वेरी गुड। तो उसको हम लोग एनलाइटनमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि एनलाइटनमेंट बहुत, अब हम लोग इतना ज़्यादा बोल दिए तो वो क्लीशे लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत भारी वर्ड है। लोगों ने इसको काम बना दिया है, काम बना दिया है और डेफिनेशन बहुत फिक्स कर दी है। एनलाइटनमेंट मतलब कोई आदमी के पास सुपर नेचुरल पावर्स होंगी, वो प्रूव कर सकता है, जैसे ये अभी बहुत समझदार अपने आप को मान रही हैं। नहीं, आई एम हैप्पी दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। अब देखिए, समझिए, आज मैं समझाता हूँ आपको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्या है। आवर टास्क इन जेनयोगा इज टू रीच दैट क्रिटिकल सर्टेन स्टेज, फ्रॉम देयर ऑन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस, क्वाइट फ्री फ्रॉम डूज एंड डोंट्स। फिलहाल जब भी मुझे आप लोगों को कुछ पढ़ाना होता है या किसी को भी कुछ पढ़ाना होता है तो उसको घसीट के लाना पड़ता है, चाहे हम YouTube में बोल के बुलाएं, भाई हमारा सब्सक्राइबर बनो, लाइक करो, कमेंट करो, या हम उनको बोलें कोर्स ज्वाइन करो, तो घसीट के ला के ज्वाइन कराना पड़ता है। इसका मतलब ढेर सारे डूज एंड डोंट्स हैं, आपको आना है, बैठना है, होमवर्क करना है, ये सब काम नहीं करना है, सिगरेट नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है, ढेर सारे डूज एंड डोंट्स हैं। इसका मतलब आपकी हालत एक लोटा है, एक ऐसे लोटे की तरह है जिसके नीचे कोई पैंदा नहीं है, इसको बोलते हैं बेपैंदे का लोटा। मतलब देखा नहीं आपने बेपैंदे का लोटा? लोटे के नीचे ना गांव में मिलते थे, एक सपोर्ट टाइप का होता है, उससे आप खड़ा कर सकते हैं लोटा। मटका तो बड़ा होता है, लोटा छोटा सा होता है, इसको लेकर जाते हैं खेत में। लोटा कभी देखा नहीं आपने? लोटा देखा, पैंदा क्या होता है? लोटे के नीचे का सपोर्ट। अच्छा, वो जो नीचे की लाइन में रहती है। हाँ, समझ गया। अगर वो ना हो तो लोटा गुड़ 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 करता रहता है, हाँ, ढंगिला जाएगा। वेरी गुड। तो हम लोग ऐसे ही हैं, ऊपर बैठे रहेंगे, बड़े पापा जब फोन करेंगे तब आएंगे, या बड़े पापा हमने वीडियो एडिट किया था, पसंद नहीं आया तो हम छोड़ रहे हैं, आज से काम छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि व्हाट इज CCS। CCS के पहले हमारी कंडीशन, हमारा माइंड ऐसा है कि वो कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी लाइफ में जब तक हम CCS नहीं पहुंच जाते, तब तक हमको ढेर सारे डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ेंगे। CCS वो स्टेज है जहां पर आपकी लाइफ डूज एंड डोंट से फ्री हो जाती है। CCS इज दैट स्टेज इन विच योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज ऑटोमेटिक एंड एफर्टलेस।
उसके बाद से आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, जिस चीज़ को भी आप बोलते हो स्पिरिचुअलिटी, और उसमें आपको प्रोग्रेस पता चलता रहता है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अभी आज ही किसी ने मुझसे पूछा कि सर मैं आपकी जनोगा समझ गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि मेहनत नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कब तक? क्योंकि अगर कोई आदमी कुछ डिज़ायर कर रहा है तो क्या वो डिज़ायर करने का हक नहीं है उसको? कल मैंने बात की थी आपसे जनोगा एडवांस में, डिज़ायर बड़ा मिसकैलकुलेटेड चीज़ है। हम जो भी चीज़ डिज़ायर करते हैं, हम वो ऐसी चीज़ डिज़ायर करते हैं जो हमसे बहुत दूर है, और चूंकि दूर है इसलिए डिज़ायर करते हैं। अगर हमारे पास में हो तो हम जाकर उसको ले लेंगे। जैसे आप लोग कपड़े डिज़ायर नहीं करते क्योंकि आप उस कपड़े हैं, आप लोग कोई खाने की चीज़ डिज़ायर नहीं करते, ऊपर खाना पड़ा हुआ है, आप लोग कार में घूमना डिज़ायर नहीं करते। अब हम लोग अभी गए थे, ट्रिप पे गए थे, दो तीन ट्रिप पे जा चुके हैं, तो आपको किसी बड़े रिजॉर्ट का भी कोई बहुत हैंकरिंग नहीं है। हम लोगों को डिज़ायरेबल वही चीज़ें लगती हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, और चूंकि दूर है इसलिए डिज़ायर करते हैं। अब हो सकता है आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ डिज़ायर कर ली जो आपके अप्रोच में नहीं है, तो वो कैसे मिल जाएगा आपको? लेकिन हमारा मन गलता है, नहीं नहीं आप बताइए, कोई तरीका बताइए कि हमारा डिज़ायर पूरा हो जाए। तरीका केवल एक ही है, वो चीज़ आपके आपके कब्जे आपके दायरे में आ जाए, आपके हाँ रेंज में आ जाए। जो चीज़ आपकी रेंज में नहीं है आप केवल उसके लिए काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कभी ना कभी वो आपके रेंज में आ जाए। अगर आप लोग YouTube के वीडियोस बना रहे हैं और आप लोग चाहते हैं बहुत अच्छा चैनल बनाएं, बहुत अच्छे वीडियोस बनाएं, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग, बट यू कांट डिज़ायर इट। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग ये डिज़ायर नहीं करते हैं कि मैं सुपरहिट बना दूं फिल्म। वो लोग केवल काम सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, सीखते हैं, और उनका एक रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट को देख करके वो सरप्राइज होते हैं, और बाकी लोग उसको देख करके डिज़ायर करते हैं। ये बड़ी बड़ी सटल चीज़ है, अगर आप इसको पहचान लेंगे तो आप केवल आप पूछोगे अच्छा ठीक है मैं आज क्या करूं, मैं क्या सीखूं, आप ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन सी डिज़ायर को फुलफिल करूं। मुझे लगता है इसमें कंपनीज़ और गवर्नमेंट्स का भी हाथ है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने एग्ज़ाम्स निकाले, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको आप जब पास कर लेते हो तो एक ही दिन के अंदर में आप एक कॉमन मैन से ऑफिसर बन जाते हो, एक दिन के अंदर में। जो चीज़ कोई सेठ कोई अमीर आदमी 20 साल तक पैसा कमाने के बाद नौकर चाकर इकट्ठा करता है, वो एक आदमी अगर वो IAS की नौकरी पास कर लेता है, CGL की बड़ी इंपॉर्टेंट कोई पोस्ट पा जाता है, तो उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर, और उसी चीज़ को लोग डिज़ायर भी करते हैं, पावर को डिज़ायर करते हैं। मैंने कहा ना डिज़ायर इज अ मिसकैलकुलेटेड एक्टिविटी। अगर आपका दिमाग सही सही समझ सके तो जो चीज़ उसके हद में है वो ले लेगा, जो हद में नहीं है उसके लिए काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, और जैसे ही वो चीज़ जो उसके डिज़ायर थी जब उसके पास पहुँचेगा तो वो भी ले लेगा। मैंने आज तक कभी भी एक महंगी SUV की कार की डिज़ायर नहीं की, कभी नहीं की। इनफैक्ट जब बड़ी मम्मी ने खरीदी थी वाली कार तो भी मेरा डिज़ायर नहीं था, मेरा शक्ल एकदम लटका हुआ था, मैंने कहा इतनी महंगी कार क्यों ले रहे हैं। हाँ वो अब मेरे हद में आ गई। इस चीज़ को समझिए, ज़्यादातर लोग जो डिज़ायर करते हैं वो ऐसे लोग डिज़ायर करते हैं जिनके हद में जिनके दायरे में वो चीज़ नहीं है। इसको ऐसे समझिए, एक बड़ा सा नाला है और आप उसको कूदने की डिज़ायर कर रहे हैं, कैसे कूद लेंगे आप? कुछ भी करके आप नहीं कूद पाएंगे, जंप नहीं कर पाएंगे आप उसको। और दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ा इल्यूजन हमारे मन को है कि अगर ये मेरी डिज़ायर पूरी हो जाती है तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। जब मेरे पास एप्पल का प्रोडक्ट नहीं था तो मुझे लगता था कि अगर एप्पल होता तो मैं एडिटिंग और अच्छे से करता कंप्यूटर में। फिर जब मुझे एप्पल लैपटॉप मिल गया, मैंने यूज़ करके देखा, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाता था मैं जितना मैं विंडोज़ में करता था, बल्कि और ख़राब ही करना शुरू कर दिया। रख दिया ना, आज निकाला है। मैं लेती हूँ। डिज़ायर कर रही हो क्या? एप्पल का लैपटॉप क्या करोगे उसका?
तुम्हें पता है हमारे घर में एप्पल का लैपटॉप पड़ा है, हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? आता नहीं यूज़। अभी केसी नाइस्टैट जो आपका ब्लॉगर नहीं है, उसका मैंने इंट्रो पढ़ा, उसमें लिखा है फॉर एडिटिंग आई यूज़ दिस कोई सॉफ्टवेयर लिखा, वो यूज़ करता हूँ, वो बार बार ख़राब हो जाता है, बार बार क्रैश हो जाता है, कोई बात नहीं, मुझे और कुछ सीखने में मन नहीं करता, मैं और कुछ सीखना नहीं चाहता, मैं नया कोई सॉफ्टवेयर सीखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे माफ़ करो। सीखना पड़ेगा एप्पल के लिए, तो आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, उधर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी तब जा करके। तो डिज़ायर इज़ अ मिसकैलकुलेटेड थिंग, ठीक है। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज वो स्टेज है जिसके बाद से आपकी लाइफ में सचमुच में सुकून आता है, सचमुच में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इनफैक्ट उसके बाद पहली बार आप लाइफ को फील कर पाते हो, उसके पहले तक तो हम लाइफ और डेथ के मिक्सचर को फील करते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो बॉडी फील करते हैं, उस खाने का टेस्ट फील करते हैं, आप लाइफ नहीं फील करते। जब किसी आवाज़ को सुनते हैं तो बाहर फिजिकल वर्ल्ड एक डेड एलिमेंट है, हमारा कान डेड एलिमेंट है, उसके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो जिंदा चीज़ है, वो जिंदा और डेड के मिक्सचर को आप फील करते हैं। जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस कर जाते हैं तब जा करके आपको सचमुच में प्योर एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। इसलिए मैं आपको आज फिर से रिवाइज करा दूँ, एनलाइटनमेंट मत बोलिए, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज बोलिए। और क्रिटिकल सर्टेन स्टेज का भी एकदम डेफिनेशन क्लियर है, ये वो स्टेज है जहाँ से आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाती है और एफर्टलेस हो जाती है, क्वाइट फ्री फ्रॉम डूज एंड डोंट्स। ये चीज अब जो आपको समझाने वाला हूं, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। हमारे चैनल में जितने भी लोग आते हैं ना, ज्यादातर अट्रैक्ट होते हैं हाईफाई बातों से, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो लोग ये जानते हैं कि हाईफाई चीज़ें हमारे डिज़ायर के पार हैं, सुपर नेचुरल पावर सेक्शन 3 सेक्शन 4 हमारे डिज़ायर के पार है, हमारे अप्रोच के पार है। इसलिए हम लोग अभी फोकस करेंगे सेक्शन 1 पे, हायर सेक्शंस को अभी साइड रख देते हैं। जैसे आपने बताया चार सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है, सेक्शन 4 वो बहुत हाई सेंटर है, आत्मन से कनेक्टेड है, सेक्शन 3 सुपर नेचुरल पैरा नॉर्मल एक्टिविटीज़ को गवर्न करने वाली चीज़ है, और सेक्शन 2 है जिसमें कि फिजिकल बॉडी भी गवर्न होती है और मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेशन इंट्यूशन भी गवर्न होता है। लेकिन फिलहाल के लिए सेक्शन 2B 3 और 4 को हम छोड़ देते हैं और सेक्शन 1 पर फोकस करते हैं। सेक्शन 4 जैसा मुश्किल बुक? सेक्शन 4 मतलब हाँ, बहुत 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 मुश्किल बुक, चैप्टर, डिग्री, कोर्स, कुछ भी कह लीजिए, बहुत हाई फाई है। शतरंज देखा है, खेलते हैं सब, सभी जो खाने वो प्यादे होते हैं उसके, हाथी घोड़ा, वो एक एक की पोजीशंस पे खड़े होते हैं, और उसके बाद जो लोग दोनों टीम वाले खेलते हैं ना, वो जीतने के लिए अपने अपने प्यादों को और घोड़ों को सबको पॉन्स को एक की पोजीशंस पे रखते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में सेक्शन 1 में चारों सेक्शंस के अलग अलग क्वार्टर मास्टर्स हैं, मतलब उस सेक्शन के मास्टर्स हैं जो की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, मतलब मालिक हैं। जैसे यहाँ रिपी स्कैन में आएंगे तो एक मालिक है, आप उससे अप्रोच करो, और हमको आपको नहीं मालूम पड़ता, हमको आपको पता ही नहीं चलता कि हमारा माइंड में चार अलग अलग पार्ट्स है। ये चीज़ कृष्णमूर्ति पूरी लाइफ बोलते रह गए कि हमारे अंदर में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कि हमारे ब्रेन में चार अलग अलग सेक्शंस हैं और हर सेक्शंस पे अलग अलग मालिक बैठा हुआ है, बॉस बैठा हुआ है, ये सब के सब एक लगते हैं, और इन बॉसेस को जो इन सेक्शंस को रन करते हैं उनको जिनोवा में हम बोलते हैं सेंटर्स। अब ऐसा मान लीजिए कि चार कंपनीज हैं और उस चार कंपनीज में सात बॉसेस हैं, सबसे पहले जो इन चारों में से हैं चार सेंटर्स वो हैं सेक्शन 1 में, पांचवा सेंटर सेक्शन 2 में है, कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से रिपीट। सेक्शन 1 में चार सेंटर हैं, इन्होंने सबसे पहले बताया सात सेंटर हैं, सेक्शन 1 में चार सेंटर हैं, सेक्शन 2 में एक सेंटर है, सेक्शन सेक्शन 2 में एक सेंटर है तो हो गए पाँच, सेक्शन 3 में एक सेंटर है हो गए छः, और सेक्शन 4 में एक सेंटर है हो गए सात। राइट, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, सब में एक एक है, बस सेक्शन 1 में चार है। राइट, एग्जैक्टली।
अब इसको थोड़ा और कैरेक्टरिस्टिक करने के लिए और ज़्यादा आसान करने के लिए समझाने के लिए ज़िनोवा कॉल्स सेवन सेंटर एज द सीनियर MD, सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। उसको आपको ईजी करने के लिए समझाने के लिए सबसे बड़ा बॉस कौन है? हमारा सेक्शन फोर में बैठा हुआ सेंटर सेवन और उसका नाम है सीनियर MD। अगर आप अपने ब्रेन को एक कंपनी की तरह मानिए तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो है सीनियर MD। उसके बाद सेक्शन थ्री में सेंटर का नंबर है सिक्स्थ और वो है जॉइंट MD, मतलब MD है लेकिन वो नीचे का MD है। उसके बाद फिफ्थ में जनरल मैनेजर बैठा हुआ है, जनरल मैनेजर, हाँ जूनियर MD तो हो गया, सिक्स्थ वाला जूनियर MD है। उसके बाद फिफ्थ वाला जनरल मैनेजर है, इसके ऊपर MD है और बाकी सेक्शन वन में डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके हेड्स हैं। अगर इसको और सीरियसली नाम समझें तो ज़िनोवा में बोलते हैं इंटीग्रिटी सेंटर, इमोटिविटी सेंटर। इंटीग्रिटी मतलब अभी पढ़ेंगे हम, इमोटिविटी से थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, इमोशन से रिलेटेड है। सेंसुओसिटी सेंटर, ये भी अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, और मोबिलिटी सेंटर। ये चार सेंटर्स हैं जो कि सेक्शन वन में है। इन चारों को जोड़ करके हम बोलते हैं IES और M। ये तो है, लेकिन फिफ्थ सेंटर का नाम है इंट्यूशनल सेंटर, क्योंकि वो इंट्यूशंस ले सकता है सेक्शन टू में, सेक्शन टू में है, राइट। सिक्स्थ का नाम है माइंड के बियॉन्ड का सेंटर है, पैरामेंटल सेंटर, वो सेक्शन थ्री में है। और लास्ट सेवेंथ सेंटर का नाम है ट्रांसेंडेंटल सेंटर, ट्रांसेंडेंटल मतलब वो फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड का सेंटर है, ट्रांसेंडेंटल सेंटर। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा शॉर्ट में IESM समझेंगे और उसमें से भी हम लोग आज आई सेंटर को समझेंगे। आई और आई सेंटर मींस इंटीग्रिटी, आई या तो आई सेंटर का मतलब है इंटीग्रिटी, थ्रू इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन फॉर शॉर्ट। इंटीग्रिटी कैसे समझ, इंटेलिजेंस कैसे, थ्रू इंटेलेक्चुअल इंट्रोस्पेक्शन, अपने अंदर में झांक करके। कल तो मूड नहीं था मुझे वीडियो बनाने का, मैं नाराज़ था, इमोशन कम थे, आज इमोशन ज़्यादा है, तो वो चीज़ कैसे ठीक हुआ? इमोशन ने ठीक नहीं किया, इंटीग्रिटी ने ठीक किया, इंट्रोस्पेक्शन ने। मैंने अपने आप को अंदर से इंट्रोस्पेक्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया। आई सेंटर का मतलब है रैशनल रिफ्लेक्शन, रैशनल समझते हैं, तुक, लॉजिक। जैसे रैशनल नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है रैशनल नंबर? 1, 2, 3, ये सब रैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर कौन कौन से हैं? इरैशनल नंबर्स आर ऑल द रियल नंबर्स दैट आर नॉट रैशनल नंबर्स, जो अंडर रूट में हो या पाई हो, पॉइंट में हो। होल नंबर्स 0, 72 माइनस वाले इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर हैं 3/5, 1.2, ये सब हैं। और अच्छा हाँ, जो आपने सही कहा, जो पाई में है, स्क्वायर रूट में है, उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर, जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रैशनल रिफ्लेक्शन क्या है? इधर रैशनल रिफ्लेक्शन ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कॉन्शियस होकर के उस चीज़ को देख के समझ जाना, वो ये कह रहा है इसके बिना इमोशन के। अभी आगे के जब ई सेंटर देखेंगे तो आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ों को हम बोलेंगे अरे बड़े पापा आप जानते नहीं है, एप्पल सबसे अच्छी चीज़ है, एप्पल का लैपटॉप दुनिया का बेस्ट है। कैसे पता बेटा? क्योंकि सब लोग यूज़ करते हैं। मेरा वो जो पड़ोसी है ना, इससे मैं चलता हूँ, वो यूज़ करता है, ये हमारा रैशनल है। इसको कहा भी जाता है, तुम्हारा ये जो बात तुम बता रहे हो, तो जो तुम चाहते हो ये काम करने के लिए, उसके पीछे रैशनल क्या है, लॉजिक क्या है, उसका तुक क्या है, मतलब हर चीज़ में तुक खोजना, मतलब खोजना, मीनिंग खोजना, जबरदस्ती का मीनिंग बनाना नहीं। रैशनल रिफ्लेक्शन जो लॉजिकल हो, जो साफ साफ पता हो। देखिए सही रिफ्लेक्शन कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली डन, कॉन्शियसली डन, इसको सोच समझ के किया गया हो। अभी हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं, हम लोग 2 तारीख को बैंगलोर पहुंचेंगे, 3, 4, 5, 6, 7 तक वहां रहेंगे, 8 को वापस आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों को बहुत डिटेल्ड प्लान नहीं किया हमने, बट हम उसके ऊपर सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो कॉन्शियसली किया जाता है। अगर मान लो हमने टिकट बुक करके वहाँ चले गए, देखते हैं वहाँ क्या होगा, तो वो कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है।
हम में से ज़्यादातर लोग अपने डिसीजंस भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। एक बार ओशो बोलते हैं, मेरे पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, खड़ा था, जब मैं शायद फिलोसफी एमए पढ़ने वाला था या बीए पढ़ रहा ओशो था। और बोलते हैं, मेरे फ्रेंड ने पीछे वाले ने पूछा कि तू कौन सी चीज़ भर रहा है सब्जेक्ट्स, बोलते क्यों, बोलते जो तू भरेगा वही मैं भर दूंगा। हमें ज़्यादातर लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कॉलेज की डिग्रीज पढ़ाई, जैसे आप भी बोल रहे हैं जब तक अमन भैया आते तब तक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाला था, अब मैं फिल्म मेकर बनूंगा, और जब से हमारा वीसी का कोर्स चालू है तब से वीसी बनेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट बनेंगे। तो वो सब चीज़, वो सब अनकॉन्शियसली, हाँ अनकॉन्शियसली। यहाँ पर जनोगा का आई सेंटर का मेन एम है नॉलेज थ्रू बैलेंस्ड माइंड। आप ज्ञान तो लें लेकिन बैलेंस्ड माइंड से। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों को, जब आप परेशान हैं तो डिसीजन मत लीजिए, और हम लोग उल्टा ही करते हैं। आज से कसम खाता हूं मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, डिसीजन, और वैसे कोई डिसीजन नहीं लेते हम, बेटा काम करोगे, सोचेंगे बड़े पापा, और जब दुखी हैं आज से मैं रोज काम करूंगा, जब हालत ही नहीं काम करनी तब रोज काम करूंगा, और जब सही में काम कर सकते हैं तब इसीलिए हम डिसीजन देते नहीं है, क्योंकि उस समय रैशनल होते हैं। बेटा ये 100 वीडियो बना लोगे, अरे बड़े पापा क्या मजाक कर रहे, पॉसिबल है क्या 100 वीडियो? और जब गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया, अब भी बना के दिखा, अब मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, मेरा इंतकाम देखेगी मेरा इंतकाम देखेगी, गाना बना इसने कोई फिल्म में, वो शादी में दुल्हन वाला गाना था ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब बड़ी मम्मी ने मुझसे कहा मुझे शादी नहीं करनी, मैंने कहा फोन पे बात कर लो, थोड़ा बहुत बातचीत कर ले तो हम शादी कर लेंगे। आई वॉज मोर रैशनल। अगर मैं आईएएस बनने की कोशिश करता तो शायद आज तक मेरी शादी नहीं होती। चलो ठीक है, इट्स एम, आई सेंटर का एम है नॉलेज थ्रू बैलेंस्ड माइंड और उसमें से निकलने वाले डिसीजंस। इसको, इस सेंटर को संस्कृत में हम लोग ईहा बोलते हैं। ईहा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द विल टू नो। जैसे मैं रिम्पी को भी कहता हूँ, हम सब के अंदर में एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है हर चीज़ को जानने की, और पता है हर चीज़ के को एंजॉय करने की नहीं, जानने की। हम अक्सर ऐसा होता है, कोई चीज़ पाना चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, और डिज़ायर को फुलफिल कर लेते हैं, उसको पा जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। कार खरीदी उसके बाद पड़ी हुई है, फ़ोन खरीद लिया रख दिया, उसके बाद पड़ा हुआ है। वो विल टू नो था, वो जानने का मन था, अच्छा इतनी महंगी चीज़ में है क्या, इतना खूबसूरत दिखाते हैं, बटन दिखाते हैं, उसमें है क्या, वो विल टू नो है। एक बार आपने भी कहा था जब मैं गया था अपने जिम के सामान मान लेने, तो आपने कहा था कि जो भी मन करे उठा के रख लो, लेकिन फिर एंड में सारे निकाल के वापस रख दो, जो काम के वही लेके आओ। अच्छा, क्वेश्चंस को दे दो डिकैथलॉन। हाँ हाँ, विल टू नो का मतलब क्या है? अ प्रोग्राम्ड एनालिसिस। जैसे मैंने, जब आप दोनों पैदा हो गए थे और शीश पे पैदा हो गया, तब से बच्चे क्या होते हैं, कौन सी स्पीसीज होते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्ड एनालिसिस चालू हो गया और अभी तक चल रहा है। और ये प्रोग्राम किस चीज़ का चल रहा है, एनालिसिस किस चीज़ का चल रहा है, कि एग्जैक्टली क्या हैं ये लोग। एग्जैक्ट इंटीजर मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट होता है, द एग्जैक्ट और इंटीजर नॉलेज किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़, किसी प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन के बारे में, एग्जैक्टली क्या हुआ। और वो भी अनबायस्ड होकर के, ये नहीं अरे मेरा बेटा है वो आईएएस कर लेगा, जैसे छोटी मम्मी इनको बोल रही थी अरे तुम कर लोगी आईएएस, पढ़ लोगी, चिंता ना करो तुम, और ये मुझे फोन करके बोलती है बड़े पापा मैं आईएएस कर लूंगी, तो देखो ढेर सारी चीजें योग में या वेदांत में सत्व के अंदर आती हैं। सत्व गुण कहते हैं कृष्ण, वो सब कुछ आई सेंटर में आता है। आई सेंटर हमारे ब्रेन का वो हाइपोथेटिकल स्पॉट है विच कॉन्शियसली कमांड्स, रीजन्स एंड गाइड्स अवर थिंकिंग। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गौरी को, हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? इसकी स्माइल से पता चल रहा है, इसको नहीं मालूम है ना, हाइपोथेटिकल का हिंदी क्या होगा? हाइपोथेटिकल का हिंदी, हाइपोथेटिकल मतलब होता है बेस्ड ऑन सिचुएशंस दैट हैव नॉट इट हैपेंड, नॉट ऑन फैक्ट्स। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? वो तो नहीं पता वैभव को, काल्पनिक। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी, राइट। तो आई सेंटर हमारे ब्रेन का वो इमेजिनरी स्पॉट है, मतलब अगर आप उसको ऑपरेशन करेंगे
और उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे तो एक जगह पर नहीं मिलेगा आपको, वो माना हुआ स्पॉट है। Which consciously commands reasons and guides our thinking. जो हमेशा उसका काम है कि वो कमांड करता है, रीजन करता है और गाइड करता है हमारी थिंकिंग को, एटलीस्ट कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसके बगल में बैठा हुआ है ई सेंटर। जैसे वैभव के बगल में बैठी है गौरी, और जैसे सुबह डाइनिंग टेबल पे आपके बगल में बड़ी मम्मी बैठी होती है। तो बड़ी मम्मी ई सेंटर है कि आई सेंटर है? या मेरी बीवी को कभी कुछ ना करा तो मेरी ई है, आई है, एस है, एम है, सब कुछ है। वो कहावत नहीं है, वो मेरा खुदा है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप का फोन आ रहा है, तुम जिंदगी धूप, तुम घना साया। तो मेरी बीवी तो घना साया है। तो फिलहाल हम लोगों ने आई सेंटर समझ लिया, कल हम समझेंगे ई सेंटर, और कल मैं आपको थोड़े से एग्जांपल भी बताऊंगा आई सेंटर के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो सबसे पहले तो एक बड़ा सा मुक्का मारिए अपने फ़ोन पे, कहाँ लाइक बटन पर, सिंपल सी बात है, लाइक दबा दीजिए, और उसके बाद तुम सही में मुक्का मार रहे थे। और उसके बाद फिर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर आप पुराने हैं तो आप हमारे जेनु का बेसिक एडवांस कोर्स में WBX में ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? हम लोग जेनु के लिए बनवा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर होगा, योगा रूम होगा, योगा स्टूडियो होगा, पार्क होगा, बेसिकली आपको एक मेडिटेटिव लाइफ जीने के लिए एक माहौल मिलेगा। तो उसको बनाने के लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करिए।